मिडिल क्लास बॉय मैं नाम मेरा अब सो जो के अंदर आज 14 अगस्त है तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। बाकी मेरे पीछे भीड़ तो देख रहे हो, यहीं से एंट्री है, देखते हैं पता नहीं अभी किधर से एंट्री है। तो यहाँ पे भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, अब ये पब्लिक बहुत ज्यादा खड़ी है। टिकट पता नहीं किधर मिलती है। एंट्री अच्छा, तो यहाँ पे पब्लिक देखो कितनी ज्यादा है। सो गाइस एंट्री ले रही है जू के अंदर और अब जाके अंदर पूरा घूमेंगे, देखेंगे कैसे कैसे जानवर और क्या क्या है। और बाकी एंट्री लेते टाइम मेरे साथ एक सीन हो गया, वो आप लोगों को बाद में समझाता हूँ क्या हुआ था। तो चलते हैं घूमते हैं। बाकी यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि पिंजरों के अंदर बंद है कैद। तो मेरे दोस्त जो थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरे साथ दो दोस्त भी यहाँ बन गए थे, मेरे वो कहीं हो गए हैं। सो इन पिंजरों की इधर भीड़ लगी है, आज भीड़ भी बहुत ज्यादा है यहाँ। क्या तीड़ बिलाओ, तो वो ऊपर सो रहा है, तीड़ बिलाओ ये काले थोड़ी काला वो है, जब वो है काला। और भाई गर्मी बहुत ज्यादा तेज लग रही है यहाँ पे। तो आगे चलते और देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है, अभी तो कुछ दिखानी है। और मेरे जो दोस्त थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो गए यार, मुझे नहीं वो मिल गए वो जा रहे हैं। सो इधर देखते हैं क्या, इधर हिरण है। हिरण है पर इसके अंदर एक भी हिरण है, वो उधर है हिरण। तो इधर आगे हिरण है, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, बैठे हिरण दूर। सो यहाँ पे छोटी मोटी जो जानवर हैं वो नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा। जो बड़े बड़े टाइगर टूगर हाथी हैं ऐसे, ये एनिमल्स दिखाऊंगा। आगे चलते हैं देखते हैं कोई ऐसा एनिमल मिलता है तो दिखाता हूँ। बाकी इधर तो हिरण बैठे हैं। इधर ये एरिया पूरा हिरण वाला है। सो इसके अंदर है राइनोसोरस, अगर आपको दो हैं तो बैठे पानी के अंदर, एक हो रहा है एक हो रहा। सो पीछे मोर भी डांस कर रहा है, दो राइनोसोरस है इस पानी के अंदर। तो चलते हैं और आगे। वो मोर देखो, मोर कितना बढ़िया लग रहा है डांस करते हुए। बाहर होते और बढ़िया लगते, अंदर ही है पानी के। बाकी आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, पता नहीं हिल भी नहीं रहे हैं वो तो अंदर से। भाई जैसे हमें गर्मी लग रही है उन्हें तो बहुत ज्यादा लग रही है। सो ये जो देख रहे हो आप, ये मकाओ है। ये कौड़े तोते हैं, दूसरा तोता। सो ये वाला अफ्रीका का तोता है। ये कौन सा है, यही है। अंदर गया क्या, खाना खा रहा भाई, दरिया ही घोड़ा। इधर क्या, इधर भी देख लेते हैं।
इधर टाइगर किस साइड है? टाइगर है किधर है? इधर ही है। इसमें क्या है? खाली है। तो इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो हिरण ही हिरण है। बाकी टाइगर तो अभी तक देखने को नहीं मिले। ये भी खाली है पूरा। पानी पीते हैं भाई, प्यास लग रही है। व्हाइट टाइगर, जगुआर, वुल्फ। सो इधर है व्हाइट टाइगर, तो इधर है व्हाइट टाइगर, लायन भी है। तो चलते हैं देखते हैं कहाँ पे व्हाइट टाइगर और वुल्फ लायन। खुल्ला इसमें क्या है? इसमें वुल्फ हो सकते हैं जैसा ही है ना, लायन है इसमें। लायन वो सो रहा है नीचे। सो लायन तो अभी सो रहा है अपनी गुफा के अंदर, वो पड़ा भाई। लायन तो अभी सो रहा है, लायन तो देखने को नहीं मिला, आपको नहीं देखने मिला, पर मेरे को दिखा, कैमरों में दिखेगा नहीं। बहुत बड़ा है लायन, एक ही लायन पिंजरे के अंदर। आगे देखते हैं वुल्फ और व्हाइट टाइगर। ये चेतावनी लिख रखी है, बाकी जो नकली लायन है वो देख लो। पर कोई नहीं आया उधर क्योंकि पेड़ गिर रखा है, मैं पार करके आ गया। तो इधर भी काफी जंगल है। अभी तो लायन देखने को मिला, वो सो रहा है, ना व्हाइट टाइगर देखने को मिला, ना वुल्फ। बाकी जहाँ देखो वहाँ हिरण देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी हिरण है, ये दिखाता हूँ, ये व्हाइट हिरण, पूरा व्हाइट हिरण। ये देखो इसे अपने झुंड से भगा दिया है, तो ये अकेला यहाँ पे अफसोस मना रहा है। सो उधर सारे हिरण है, ये अकेला के इधर बैठा है। तो उसे पता नहीं, अकेला भगा दिया, झुंड से अलग कर दिया, सो अकेला बैठा है वो वहाँ पे। नाराज हो के इधर एक भाई से पूछा था, बोल रहे चीते तेंदुए लेपर्ड इधर है, तो मैं आया हूँ, देखते हैं है या नहीं है। बात है चढ़ा है जी, इधर भी एक है। आगे देखते हैं, इधर है लेपर्ड। तो आगे देखते हैं, ओ मंकीज, ग्रे लैम। भाई नंबर गलत बताया तूने, पेटीएम भाई पूरा जो घूम लिया। ज्यादा जानवर तो मिले नहीं देखने को जो खतरनाक से हैं। सो बाकी ये पोस्टर देख लो, लेपर्ड देख लिया, हिप्पो देख लिया, लायन भी देख लिया, एलिफेंट भी देख लिया, और ये जो बंगाली टाइगर है ये नहीं दिखा मेरे को देखने के लिए। बाकी ये मिला नहीं मेरे को, होएगा कहीं पे। सो जो बहुत बड़ा है इसलिए मिला नहीं होएगा। सो अब चलते हैं बाहर, जो देख लिया। सो अब यहाँ से एग्जिट करेंगे बाहर के साइड, और बहुत ज़्यादा भीड़ है आज के दिन। बाकी ये पोस्टर लगा रखे हैं जगह जगह पे, वहाँ से हमने एंट्री करी थी और इधर से एग्जिट है। सो बहुत थक गया हूँ, यहाँ से एग्जिट करके मैं जाऊँगा मेट्रो स्टेशन। सो आप लोगों को बताऊँगा क्या हुआ था मेरे साथ घर पे जाके। तो चलते हैं यहाँ से पहले, बताता हूँ मैं आप लोगों को मेरे साथ जू में हुआ क्या था।
सो एक्चुअली मेरे साथ जू में क्या हुआ था, जो कि टिकट है वो बूथ पे नहीं मिल रही थी, ऑनलाइन टिकट होनी थी। सो मेरे से फोन से ऑनलाइन टिकट हो नहीं रही थी, तो वहाँ पे साइड में बहुत सारे बंदे खड़े थे जो कि ऑनलाइन टिकट दे रहे थे। सो बहुत देर बाद मेरी टिकट कटने की बारी आई, जो कि ऑनलाइन भरनी थी टिकट उसने। सो बड़ी देर बाद मेरी बारी आई, दो बंदे और खड़े थे मेरे साथ, पहले उनकी काट रहे थे, मेरी बाद में कटनी थी। सो टाइम बचाने के लिए जो दो बंदे थे उनके साथ मेरी भी टिकट ऑनलाइन कर दी। सो तीन बंदे हो गए हम, सो तीन बंदे की टिकट होगी। मेरे पास दो बैग थे और उनके पास तो कुछ नहीं। एंट्री करने से पहले मेरे को बैग जमा करना था, सो उसका पता नहीं था मेरे को। सो मैं उन दोनों जो दो लोगों के साथ टिकट मेरी कटी थी उनके साथ मैं चला गया एंट्री कराने। सो एंट्री कराई, वो दोनों तो अंदर चले गए, मेरा बैग चेक किया और मेरे को बोला मेरे बैग में थे ट्राईपॉड। सो मेरे बैग में ट्राईपॉड रखे थे। सो उन्होंने बोला कि बैग जमा करा के आ जा। सो मैंने एक जो ट्राईपॉड जो हैंड में लेके मैं चलता हूँ वो वाला ट्राईपॉड जो बंदा था उसके हाथ में दे दिया। उनकी तो एंट्री हो गई थी, वो चढ़े गए थे अंदर जू के और मैं बाहर ही रह गया, बोला था जा बैग जमा करा के आ जा। सो मैं बैग जमा कराने गया, वहां बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन लगी थी, एक घंटा लग जाता बैग जमा कराने में। सो मैंने बैग जमा कराया नहीं क्योंकि उन दो लोगों के पास मेरा ट्राईपॉड था, बाकी मैं दिल्ली में हूँ, कुछ नहीं पता क्या हो सकता है, मेरा 1-2 हजार का ट्राईपॉड चला जाता। और मैंने जो उनके साथ ₹100 की टिकट कटाई थी वो भी बेकार जाती, मेरे को एंट्री भी नहीं मिलती अंदर। सो मैंने बैग वो कुछ नहीं जमा कराया, मैं दोबारा चला गया वहीं पे। मैंने मैडम को बोला मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, मेरी टिकट उनके साथ है, सो मेरे को अंदर जाने दो, उनका मेरा जो ट्राईपॉड है उन्हीं के पास है। सो अंदर मैं गया, मैडम ने मेरे को बहुत मना किया, फिर कुछ देर बाद मेरे को अंदर जाने दिया। जो दो लड़के मेरे साथ थे वो वहां पे वेट उन्होंने किया ही नहीं, सो 5-10 मिनट वेट किया होगा, उसके बाद वो चले गए। सो मेरा ट्राईपॉड भी लेके चले गए और मैंने उनको चिड़ियाघर में जो कि जू है दिल्ली का जू, उसके अंदर मैंने उन्हें बहुत देर से ढूंढने की कोशिश करी। सो उन्हें मैं ढूंढता रहा, वो बहुत देर बाद मिले और मेरा जो ट्राईपॉड है वो भी बहुत घुमा दिया था, उन्हें पता ही नहीं लग रहा था ये है क्या चीज। सो उन्हें यूज करना ही नहीं आ रहा था, सो उन्हें घुमा दिया था, सो वो ऊपर से टूट गया, जाने नहीं देते मेरा ट्राईपॉड चला जाता। सो ट्राईपॉड तो मिल गया मेरा। सो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग से। नहीं पता है मैं दिल्ली घूम रहा हूँ, पिछले जो व्लॉग है आप लोगों को देख लेना। सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय। नाम मेरा अवतीश, नाम मेरा अवतीश, मिडिल क्लास बॉय मैं, नाम मेरा अवतीश।